आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो सवाल में हमें दिया गया है कि गाइडर मास हर्डन प्रयोग में अलग अलग अल्फा कणों द्वारा अनुरेखित प्रक्षेप पथ के चित्र हमें दिखाए गए हैं। उसमें से पूछा गया है कि बी और थीटा का नाम क्या है, और पूछा गया है कि अगर थीटा 0 डिग्री हो और थीटा पाई रेडियन हो तो उसके लिए बी के मानों के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ए को सॉल्व करते हैं। तो जो बी होता है वो संगत पैरामीटर निरूपित करता है। बी क्या निरूपित करता है? संगत, ये संगत पैरामीटर निरूपित करता है। और थीटा क्या होता है? थीटा यहाँ पे प्रकीर्णन कोण होता है। प्रकीर्णन अब दूसरे वाले सवाल पे आते हैं, बी पे। तो बी में पहला क्या है कि अगर थीटा 0 हो तो क्या होगा? तो अगर थीटा हमको 0 दिया हुआ है तो हम इससे ये पता कर सकते हैं कि जो थीटा यहाँ पे हमें दिया गया है 0, इससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो बी है वो बड़ा है, बी बड़ा है और अल्फा कण लगभग विचलित गुजर रहा है। बी बड़ा है और अल्फा कण लगभग विचलित गुजर रहा है। और जो दूसरा है कि थीटा अगर पाई रेडियन के बराबर हो तो हम ये लगा सकते हैं कि बी 0 है, बी 0 है और अल्फा कण अपने मूल पथ पर अनुदेशित उल्टा चल रहा है। यहाँ पे अल्फा कण का क्या था? यहाँ पे अल्फा कण विचलित हो रहा था, विचलित होकर गुजर रहा था, ये विचलित था। और दूसरे वाले में जो अल्फा कण है वो अपने मूल पथ पर अनुदेशी उल्टा चल रहा है, उल्टा चलेगा। तो ये हमारा उत्तर हो गया। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।